नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ धामपुर ने कोरोना कोविड-19 के चलते शनिवार 9 मई को मनाई जाने वाली महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम को स्थगित कर लॉकडाउन का पालन करते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जैसा कि कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण सरकार ने सभी कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा रखी है, इसी के चलते हर वर्ष मनाई जाने वाली महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में खर्च होने वाली धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में 25,000 की धनराशि का चेक SDM को सौंपा। इस दौरान उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने तथा अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। मैं दीपेंद्र सिंह चौहान, संरक्षक अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासंघ धामपुर। मैं ये बता रहा हूँ कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने की वजह से सरकार ने समस्त कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा रखी है। इसी का अनुपालन करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ, जो प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप जयंती समारोह पूर्व मनाता था, इस बार वो समारोह स्थगित कर दिया गया है और उसके बदले जो धनराशि हम यहाँ पर खर्च करते थे और भी इकट्ठा करके हमने 25,000 का एक चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रेषित किया और ये कामना की है क्षत्रिय संपूर्ण क्षत्रिय समाज की तरफ से कि हमारे देश को शीघ्र ही चेक किसको दिया? SDM महोदय को और CO महोदय दोनों के ने चेक भेज दिया और हम ये कामना करते हैं कि हमारा देश जल्दी ही संक्रमण से मुक्त।